हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, SKK न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। ICBCC कार्यशाला में स्वास्थ्य कर्मियों को जनसंचार पर मिली जानकारी। 2 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न आयामों पर की गई। सीतामढ़ी 10 फरवरी जिला स्वास्थ्य समिति व सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के संयुक्त तत्वाधान में ICBCC का 2 दिवसीय कार्यशाला का आगाज बुधवार को निजी होटल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश चंद्र सहाय वर्मा, DMO डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव, DPM आशित रंजन, केयर डिटेल मानस कुमार, DCM समरेंद्र नारायण वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आगत अतिथियों का स्वागत सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के आरती धार तथा SPM रणविजय कुमार ने किया। प्रोविजन है मेरे अधीनस्थ कर्मचारीगण और आप लोगों में जितने भी सभी हमारे अभी उपस्थित हैं सज्जन और मेरे सभी BHM और मेरे अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं आज के दिन में, वो उन सबों को मैं हार्दिक रूप से मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि हुए आज इस एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस प्रशिक्षण का महत्व बहुत ज्यादा है, इसके बारे में विस्तार से आगे बातें होंगी, लेकिन मैं संक्षेप में कहूँगा कि हमारे जो आशा आंगनबाड़ी और हमारे सारे लोग हैं जो हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, जिनको हम ग्रास रूट वर्कर कहते हैं, और मैं ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा जो सारा स्वास्थ्य का कार्यक्रम जो संचालित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, वो इन्हीं लोगों के द्वारा, ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, तो इन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और आप सभी हमारे जो ब्लॉक हेल्थ मैनेजर्स हैं वो हमारे एक कोऑर्डिनेटिंग कड़ी और मैनेजमेंट के वो पदाधिकारी हैं, तो मैं उन सबों को मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए हैं और आप इसमें अपना सक्रिय सहयोग देने के लिए उपस्थित हुए हैं और इस प्रशिक्षण का लाभ लेना है। तो विद्या और प्रशिक्षण का कोई अंत नहीं होता, वो प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूइंग प्रोग्राम। तो आदमी, हम हिंदुस्तान में सोचते हैं कि मेरी उम्र हो गई तो हम पढ़ना छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। पढ़ना एक मानसिक व्यायाम भी है और प्रशिक्षण जो है मनुष्य की दक्षता में वृद्धि करता है। तो मैं ये कहूँगा, आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बाहर से आए हैं और सीतामढ़ी में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो भी यहाँ कुछ पदाधिकारी या NGO के माध्यम से जो भी आए हैं वो पहले भी मुझसे मिल चुके हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, और वे बड़े जुझारू और कर्मठ लोग हैं जो यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे अपने अपनी विद्या से, अपने प्रशिक्षण प्रशिक्षण देने की कला से आप लोगों को लाभ देंगे, और मैं कामना करता हूँ कि आप अच्छे से उसका लाभ लेंगे। और मुख्य बात है कि आप कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं अपने PSC में, अपने फैसिलिटीज में। हम जानते हैं कि हमारा सारा चैलेंजेस जो है वो आपको झेलना पड़ता है। हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास उतने चिकित्सा कर्मचारी स्टाफ जो है वो नहीं भी हैं, और कुछ हद तक जो है वो समय पर कार्य नहीं कर पाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ कि इस विपरीत परिस्थिति में भी हुए इस जिले में जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाए रखने में, कंटिन्यूस करने में अपना सहयोग दे रहे हैं।
लेकिन इसके आगे ये बातें हैं कि वो किस प्रकार और अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं, वो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास लाभार्थी आते हैं, जो मेरा मरीज आता है, जो मेरी कार्यकर्ता है, मेरे अंदर अधीनस्थ जो आशा वर्कर हैं, जो एएनएम है, उन लोगों से कैसे संवाद करते हैं, संवादहीनता की स्थिति आती है, तभी कोई बात होती है।